सबसे पहले इसका कस्टमर कौन हो गया इंडिया में, भारतीय रेलवे हो गया। फिर उसके बाद इसके कस्टमर कौन हो गया सर, रेल टेल हो गया। फिर उसका कस्टमर कौन हो गया, BSNL। मेरा माउंट कम्युनिकेशन की एक नया शेयर है। कल किसी सब्सक्राइबर ने सर पूछा कि सर ये शेयर कैसा है। पहले तो मैंने सच कुछ अच्छी तरह देखा नहीं, लेकिन जब मैं इस शेयर के अंदर तक घुसता गया तो मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। फिलहाल इसकी जो मार्केट कैप है ना 678 करोड़ की है, और बुक वैल्यू इसकी सर 11 रुपये करीब की, और फेस वैल्यू 2 रुपये की शेयर की है, यानी कि पैरामाउंट कम्युनिकेशन की। अब इसका काम देखते हैं सर, इसने काम में क्या धुएं उठा रखे हैं, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। पहले आपको एक चीज़ बता दूँ सर, रेलवे कभी बंद नहीं होगी, पावर कभी बंद नहीं होगी, बड़ी तेजी के साथ पावर चल रहा है, कम्युनिकेशन 5G 4G में तेजी के साथ उतर रहा है, और कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट की सुविधा जो है बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रही है, यानी कि हर जगह आपको इंटरनेट के बिना कुछ भी काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों सेक्टर जो हैं ये चलने ही चलने हैं। अब ये पैरामाउंट कम्युनिकेशन करता क्या है सर, ये विशेष तौर पर केबल का निर्माण करता है, और हरियाणा और राजस्थान के प्लांट में ये अपने केबल का उत्पादन करता है। आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि इस कंपनी में जानदार मुझे क्या चीज लग रही है। सबसे पहले ये रेलवे के लिए केबल का निर्माण करता है, टेलीकॉम सेक्टर में जो केबल का यूज होगा उसका ये निर्माण करता है, और पावर के लिए भी ये केबल का निर्माण करता है। अब ये तीनों सेक्टर कितने जानदार हैं, तीनों में कितनी अच्छी संभावना आपको नजर आ रही है, तीनों सेक्टरों के लिए केबल का निर्माण करता है। आपको एक चीज और उचित इसके अंदर समझ लेनी चाहिए कि जो इसके ग्राहक है ना सर, यूके, दुबई, कतर, ओमान, इन जगह ये अपने कार्य को निष्पादित भी कर चुका, उनके लिए काम भी कर चुका है जो बाहर की कंट्री है। तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर एक पॉजिटिव संकेत फिलहाल अभी के लिए नहीं, लेकिन आगे के लिए मुझे एक मल्टीबैगर शेयर ये लग रहा है। लेकिन इसके अंदर एकदम खरीदारी नहीं करनी है, इसको भी वॉच करना है, क्योंकि कल ही मेरे रडार में आया और इसके बारे में मैं अभी फिर से देखना शुरू करूंगा, दोबारा से करूंगा। तो अभी जल्दबाजी इसे हमें लेने के लिए नहीं करनी लेनी चाहिए, इसकी पहले चाल समझेंगे। अब हम जब हमारी रडार पे आया तो इस शेयर की अब हमें चाल समझी जाएगी। अब एक चीज़ और समझाऊंगा इसके अंदर कि सर ये काम किस तरीके से करे। तो सबसे पहले इसका कस्टमर कौन हो गया इंडिया में, भारतीय रेलवे हो गया। फिर उसके बाद इसके कस्टमर कौन हो गया सर, रेल टेल हो गया। फिर उसका कस्टमर कौन हो गया, BSNL हो गया। और BSNL आपको पता है कि 4G में कितना ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो ये इसके कस्टमर हो गए। उसके बाद टाटा ग्रुप भी इनसे काम करवाता है। फिर उसके बाद अडानी ग्रुप, अडानी ग्रीन, कितने ज़्यादा इसके कस्टमर हैं ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ बता दूँ, जो हमारी बहुचर्चित कंपनी है L&T सीमेंस, उनके लिए ये कंपनी वर्क करती है। भाई जानदार कंपनी है, लेकिन फिलहाल उसके हिसाब से इसका शेयर नहीं है और इसके हिसाब से इसकी मार्केट कैप नहीं है, क्योंकि इसके जो प्रमोटर है ना उन्होंने कुछ अपनी हिस्सेदारी को गिरवी भी रखा है। अब गिरवी कोई भी अपनी हिस्सेदारी को प्रमोटर रखता है, विशेष तौर पर वो अपनी कंपनी को चलाने के लिए रखता है। अधिकतर कई लोगों ने अपने शेयरों को गिरवी रखे, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उन्होंने भी अपने शेयरों को गिरवी रखा हुआ है, लेकिन उनकी मंशा अपने कंपनी को चलाने की है। तो गिरवी का मतलब सिर्फ यही आ जाता है, लोग सोचते हैं गिरवी तो रख दिया अब क्या होगा। ये बड़ी गलत सोच है सर हमारी। बड़े बड़े पुराने टाइम पे सर लोगों पे पैसे नहीं होते थे, तो वो कुछ अपने सोने को गिरवी रख देते थे, अपनी जमीन को गिरवी रख देते। इसका मतलब उन्होंने जमीन को गिरवी रख दिया तो आदमी बेकार है, आदमी का खेत में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, आदमी की कोई शादी के लिए कुछ गिरवी रख दे कुछ, वो मतलब बेकार ही हो गया, हर चीज़ का काम खराब हो गया। तो गिरवी एक शब्द देखने में लोगों को बेकार लग सकता है, लेकिन अगर वो काम के लिए किया जाए, देखो सर लोन हम लेते हैं ना, तो ये भी एक प्रकार का गिरवी वाली चीज़ ही तो है कि हम उसे उनके पैसों के बदले कुछ पैसे उन्हें और देंगे। तो यही एक चीज़ होती है, कोई भी कंपनी अपने शेयर को गिरवी रखती है, अपने होल्डिंग को गिरवी रखती है, तो हमें अंदाज़ा बिल्कुल निगेटिव नहीं लेकर चलना चाहिए। निगेटिव तब लेकर चलना चाहिए जब वो अपनी होल्डिंग को गिरवी पे गिरवी पे गिरवी और उसका पैसा वो रोकती जा रही हो, जिसको गिरवी रखा हो वो अपनी होल्डिंग को फिर छाया की तरह उस कंपनी में छा गई हो, कुंडली मारकर बैठ गई हो, तो वो भी एक हिसाब किताब अलग तरीके का होता है। तो गिरवी कहीं एक अच्छा भी है और गिरवी कहीं एक बेकार भी है। या हम किसी से पैसे लेते हैं, उससे हम पैसा टाइम पर ना दें तो हमारे लिए बेकार ही हो गया ना, फिर हमारे लिए बेकार ही हो गया, हमने उसे टाइम पर पैसा नहीं दिया, फिर तो हमने मस्ती के लिए पैसा ले लिया जी। तो इनके काम देखो सर, बाहर देश में काम और यहाँ पर बड़ी बड़ी फर्मों के लिए काम कर रहा है, और रेलवे आपका पावर और आपका टेलीकॉम सेक्टर ये कभी बंद होने वाली चीज़ें नहीं है, उसके लिए ये केबल को काम कर रहा है। बहुत पॉजिटिव संकेत के साथ मुझे ये शेयर लग रहा है। अब बात करेंगे सर एक